Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Ideas for You. So in today's video, I'm gonna show you how to make air dry clay and also how to make these cute roses with that air dry clay. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel and press that notification bell on so you don't miss my new videos. ये क्ले बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए और इसमें आपको कोई कुकिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ती। सिर्फ आपने लेनी है जर्मन ग्लू, जो एक वुड ग्लू होती है। अगर आप जर्मन ग्लू नहीं ले सकते तो आप कोई भी वुड ग्लू ले लें। और उसके अलावा आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर। बस ये दो चीज़ें हैं आपको मिक्स करनी है और आपकी क्ले तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्ले तैयार कर ली है। मैंने 1 टेबल स्पून ग्लू ली थी, जर्मन ग्लू, और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और अच्छे से गूंद लें तो आपकी क्ले रेडी हो जाएगी। अगर आपकी क्ले चिपक रही हो तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर लें तो वो बिल्कुल ठीक बन जाएगी। आप इस क्ले को शॉपर बैग में रख भी सकते हैं इस तरह से और 1-2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्ले आपको ज़रूरत हो आप वो निकालें और बाकी इस तरह से आप बैग में डाल दें और उसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोज़, और वो बनाने के लिए मैंने एक प्लेट ली है। थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े से पानी की। अगर आपको अपनी क्ले ड्राई लग रही है या आप 1 दिन बाद अपनी क्ले को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी वैसलीन मिक्स कर लें और उसको फिर अच्छे से गूंद सा लें तो आपकी क्ले बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ी सी डो ले लें और उसको आप बॉल की तरह कर लें, और उसके बाद आप कॉर्नफ्लोर फिंगर्स पर लगा के उसको इस तरह से कर लें और उसको रोल कर लें, और थोड़ा सा पानी आप इस तरह प्लेट पर लगा कर इस तरह से स्टिक कर दें। पेटल्स को भी आप इसी तरह से बनाएंगे, बस आपने पेटल्स को रोल नहीं करना बल्कि इस तरह से आपने इसको लगाना है, और हल्का सा आप पिंच कर दें तो वो एक बहुत ही प्यारा सा फूल बनेगा। उससे आपने सबसे पहले 4 पेटल्स लगाने हैं, और पानी आपने लाजमी लगाना है, पानी के बगैर ये चिपकेंगे नहीं। और हर पेटल को आपने हल्का सा पिंच करना है ताकि वो एक अच्छी सी रोज़ की शेप आ जाए। बड़ा फ्लावर अगर आप बनाना चाहें तो आप बड़े पेटल्स लीजिएगा और थोड़े से थिक लीजिएगा। यहाँ पर 4 पेटल्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने लगा लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पेटल्स हैं वो इस तरह से 2 पेटल्स के दरमियान में करके हमें लगाने होंगे। पानी को आपने पेटल के बिल्कुल नीचे करके लगाना है, फुल पेटल पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने वहाँ से लगाना है जहाँ से आपने इसको चिपकाना होगा। इस तरह से आप लगा लें और उसको भी हल्का सा पिंच कर लें। ये क्ले बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें लगती हैं और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। अगर आप इसको फ़ैन के नीचे रखेंगे तो ये 15-20 मिनट में ही ड्राई हो जाएगी और बहुत ही मज़बूत फ्लावर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका लास्ट पेटल भी लगा दिया है और अब फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप मज़ीद इसमें पेटल्स ऐड करके बड़ा फ्लावर बना सकते हैं। बाकी डो को मैं इस तरह शॉपर बैग में डाल के रख दूँगी। अब यहाँ पर फ्लावर को हमने कट करना है, और कट करने के लिए मैंने यहाँ पर थ्रेड लिया है। थ्रेड को आपने बिल्कुल बराबर करके रखना है हर जगह से, वरना अगर ये सही से ना कट हुआ तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर ये कट हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा सा रोज़ बन गया है। एक मैंने वाइट बनाया हुआ है और एक पिंक, तो इसको आप चाहें तो आप बाद में भी कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रोज़ेस बना लिए हैं और ये ड्राई भी हो चुके हैं, तो अब मैं जो वाइट रोज़ हैं उनको मैं पेंट करूँगी। पेंट करने के लिए मैंने लिया है एक्रिलिक। आप चाहें तो आप फैब्रिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सब रोज़ेस को कलर कर लिया है। आप चाहें तो आप बाद में भी कलर कर सकते हैं, और पहले भी डो में कलर मिक्स करके आप फ्लावर बना सकते हैं। इन फ्लावर से आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं और इनको डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को तरीका भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।